सो so गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आई है वो ये है कि जॉइंट टीम ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड यूपी पुलिस ने वेडनेसडे को एक रैकेट को पकड़ा है जिसमें एक एक्स सर्विसमैन दो पुलिस मैन एंड फाइव अदर लोग इन्वॉल्व थे जो कि क्या कर रहे थे पिछले दो सालों सेवर यूथ uh, से पैसे लेकर उनकी जॉब आर्मी में फेक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा लगवा रहे थे द इन्वेस्टिश इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट दैट पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई और सम अदर एंटी नेशनल फोर्सेस मे आल्सो हैव स्निक्ड देयर मैन इनटू द आर्मी यूजिंग द रैकेट इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा संदेह है उनको कि जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है आईएसआई या फिर और जो एंटी नेशनल फोर्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको इस रैकेट के द्वारा इंडियन आर्मी में भर्ती करा दिया गया है पुलिस हैव अरेस्टेड द रिटायर्ड सोल्जर पुलिस ने रिटायर्ड सोल्जर को गिरफ्तार कर लिया है वन ऑफ द पुलिस मैन एक पुलिस मैन को भी गिरफ्तार कर लिया है एंड उनके अलावा तीन और लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है अभी तक एट ए कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम आई द नंबर ऑफ दोज हु गोट जॉब इन द आर्मी थ्रू द रैकेट पुट एट ट्वेंटी वन जिन लोगों को जॉब मिली है वो लोग ट्वेंटी वन में हैं, यूपी पुलिस हैव ऑल्सो रॉप्ड इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो एज इट हैज़ स्टार्टेड रीवेरीफिकेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हो मेड इट इनटू द इंडियन आर्मी स्टार्टिंग जनवरी 2019 इन फोर डिस्ट्रिक्ट वेयर द रैकेट वाज़ एक्टिव उन चार जिलों में जहाँ पर रैकेट एक्टिव था वहाँ से 2019 जनवरी में जिन लोगों की भर्ती हुई थी इंडियन आर्मी में उनके डॉक्यूमेंट्स का रिवेरीफिकेशन शुरू कर दिया गया है अब वो चार ज़िले कौन से थे वो जानते हैं जो डी जी आई हैं बरेली रेंज के राजेश पांडे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्होंने जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं बरेली पीलीभीत बुंदन एंड शाहजहाँपुर ये जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रीवेरीफिकेशन का आदेश जारी कर दिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि आईबी या फिर अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और वो जो ये सारी प्रक्रिया है इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर uh, कर रहे हैं खुद से द एक्यूज वर अरेस्टेड फ्रॉम द फ्रॉम अ रेंटेड अपार्टमेंट इन द बांदा एरिया शाहजहाँपुर जो आरोपी थे उनको बांदा एरिया के किराए के घर से पकड़ा गया है दे वर लेटर आइडेंटिफाइड एस सुरेश सोम जिसकी उम्र पचपन साल थी हुकुम सिंह परमवीर सिंह मुकेश कुमार एंड पुलिस कांस्टेबल मनवीर सिंह एम ने कहा है कि द एम आई ऑफिसर फ्रॉम बरेली सेड सुरेश सोम ए हवलदार इन ट्वेंटी सिक्स रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट एंड वाज रिटायर्ड इन फरवरी टू थाउजेंड टेन जो एम आई ऑफिसर है बरेली के उन्होंने कहा कि जो सुरेश सोम है वो हवलदार थे ट्वेंटी सिक्स राजपूत रेजिमेंट में जो कि रिटायर हो गए थे फरवरी दो हज़ार दस में आवर बरेली यूनिट इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस विद पुलिस अ सेपरेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटी नेशनल ग्रुप्स लाइक एस आई आई एस आई कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज सोम हैड लीकड इनसाइड इन्फॉर्मेशन टू रिक्रूट द कैंडिडेट्स ऑन फेक डॉक्यूमेंट्स क्योंकि सोम जो हैं उन्होंने सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेश्स है वो भी हो सकता है कि दे रखी हो आई एस आई वगैरह को तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है ओके okay. उन्होंने ये भी कहा कि जो नंबर है कैन गो अप आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे निकल सकते हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इंडियन आर्मी में जॉब पाई है टू अदर एक इंक्लूडिंग पुलिस कॉन्स्टेबल मूल चंद एंड वन अरविंद कुमार आर ऑन रन। पुलिस इन दोनों की अभी तक तलाश कर रही है इनको नहीं पकड़ पाई है तो ये था पूरी की पूरी खबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न